brought to you by ITIL. सितंबर को बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने मिथिलेश कुमार नाम के एक फर्जी आईपीएस को हिरासत में लिया था। तब मिथिलेश ने कहा था कि उसे मनोज सिंह नाम के एक शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर आईपीएस बनाने की बात कही थी। पुलिस को लगा कि मिथिलेश खुद ठगी का शिकार हुआ है, इसलिए उसे बॉन्ड भरवा कर थाने से ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मिथिलेश के घर मीडिया ब्लॉगर्स की भीड़ लग गई। रातों रात मिथिलेश सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। इतना ही नहीं, भोजपुरी सिनेमा में फर्जी आईपीएस नाम से गाने भी बन गए। एक गाने में तो खुद मिथिलेश कुमार ने एक्टिंग भी की है। इन सब के बीच पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट गई। जांच में पता चला कि फर्जी आईपीएस बने मिथिलेश कुमार की पूरी कहानी ही फर्जी है। पुलिस की जांच में और क्या सामने आया, वो जानने से पहले आपको मिथिलेश कुमार की पुलिस के सामने सुनाई गई कहानी को जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये पूरा मामला सही से समझ में आएगा। आज तक संवाददाता राकेश कुमार सिंह के रिपोर्ट के मुताबिक 20 सितंबर को सिकंदरा थाना क्षेत्र में नाश्ते की एक दुकान पर एक शख्स आईपीएस की यूनिफॉर्म पहने खड़ा हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस फर्जी आईपीएस बने घूम रहे मिथिलेश कुमार को थाने में ले आई। पूछताछ में 18 साल के मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि वो महज 10वीं पास है, लखीसराय जिले के गोवर्धन बिघा गांव का रहने वाला है। एक दिन तालाब पर नहाने गया था, तो वहां खैरा गांव का मनोज सिंह नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा कि एक आदमी की डेथ हो गई है, उसकी जगह तुम्हें पुलिस में नौकरी दिलवा देंगे, बदले में 2 लाख रुपए देने होंगे। आगे की कहानी आप खुद मिथिलेश की जुबानी सुनिए। तो फिर जो मनोज सिंह था तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर बोला 2 लाख रुपए पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे, पुलिस में बोला था। तो वही मैंने हम 2 लाख रुपए दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको बढ़ दिए और सब कुछ हमको थमा दिया। पिस्टल भी दिया? हाँ, पिस्टल मुझे नकली, अभी देखें तो नकली है। अभी नकली ये बर्दी उर्दी सब वही दिया? हाँ सर, वही दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम घर चलाए, फिर घर से मैंने फ़ोन आया था, बोला कि 30,000 रुपये लेकर आओ, ज्वाइन करना है, 30,000 फिर मांगा था। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तो बोला पहले बात कर लो। तो हम वहीं जा रहे थे, तो जा रहे थे तो रुक गए, तो आदमी पूछा, तो ऐसे सब बात हुआ, तो फिर बोला जाओ थाना, फिर हम थाना। मिथिलेश की कहानी सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये तो खुद ठगी का शिकार हुआ है, लिहाजा बॉन्ड भरवा कर उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया। फिर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मिथिलेश की बताई कहानी के किरदार खैरा गांव के मनोज सिंह की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस को खैरा गांव में 4 मनोज सिंह मिले। सबकी पहचान मिथिलेश कुमार से कराई गई, लेकिन मिथिलेश ने उनकी पहचान उस मनोज सिंह के रूप में नहीं की जिसने उसके साथ ठगी की थी। इसके बाद पुलिस ने मिथिलेश के मोबाइल नंबर के आधार पर CDR और लोकेशन चेक की। पता चला कि जिस दिन उसने खैरा में मनोज सिंह से मिलने की बात कही थी, उस दिन वो लखीसराय में ही था। इसके अलावा मिथिलेश ने अपने जिस मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को देने की बात कही थी, उन्होंने भी पैसे देने की बात से इनकार कर दिया। इसके अलावा मिथिलेश ने मनोज के जो 2 नंबर दिए थे वो पुलिस को इनएक्टिव मिले, और पता चले कि वो तो मिथिलेश के रिश्तेदारों के ही नंबर थे। कुल मिलाकर मिथिलेश ने पुलिस को जो कुछ भी बताया था, जांच में पूरी कहानी ही गलत निकली। इसे लेकर जमुई के SDOP सतीश सुबन ने क्या बताया, अब वो सुनिए। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह का के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। देखिए, मिथिलेश को जो धारा 35(3) है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत उसे कार्रवाई करते हुए बंद पत्र पर मुक्त किया गया है, और यदि कांड के अनुसंधान में अग्रेतर आवश्यकता होगी, यदि धारा 35(3) की शर्तों के अधीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा
तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इन सबके बीच मिथिलेश कुमार के नाम से यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 28 वीडियोस पड़े हुए हैं। सभी वीडियो उसके फर्जी आईपीएस बनने के बाद के अलग अलग इंटरव्यूज के हैं। कुछ में खुद मिथिलेश भी ब्लॉगिंग करता नजर आ रहा है। उसके चैनल पर 16,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 8,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। हालांकि ये यूट्यूब चैनल जो है वो 9 फरवरी 2022 को बना है, मतलब ये जाहिर है कि ये चैनल पुराना है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर वायरल आईपीएस मिथिलेश 707 रख दिया गया है। मिथिलेश पर जैसा हमने आपको बताया कि भोजपुरी गाने बने, 8-10 भोजपुरी गाने बन चुके हैं। फर्जी आईपीएस नाम के गाने में मिथिलेश ने एक्टिंग भी की है। अब पुलिस की कार्रवाई के डर से मिथिलेश घर छोड़कर फरार है। पिता का कहना है कि वो पटना में शूटिंग करने की बात कह के गया था, कब आएगा पता नहीं। इधर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर मिथिलेश को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।